बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बदमाशों के बढ़े हौसले का। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यहां दाऊदपुर इलाके में बाइक से जा रहे फर्नीचर कारोबारी पर बाइक सवार दो युवकों ने फायरिंग कर दी और इस घटना में फर्नीचर कारोबारी बाल बाल बच गए, लेकिन बदमाशों के दिन दहाड़े हथियार लेकर भागने की घटना ने शहर के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये सारी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच में जुट गई है। पीछे मोटरसाइकिल से लगे थे, एक कट्टा लिया था, एक पिस्टल लिया था। पीछे वाला बैठने वाला मुझे ऊपर फायर किया हमारे ऊपर, और मैं उसके बाद मैं वहाँ से भाग करके गाड़ी छोड़ कर अपना और नाले में घुस गया हूँ, जान बचाया हूँ। नहीं, पहचान तो नहीं पाया हूँ। एक हेलमेट लगाया हुआ था, एक वैसे ही मतलब था, वो जब फायर किया है तो हम पहचान नहीं पाए। नहीं, विवाद तो किसी से नहीं चल रहा है इस समय। और वहीं नोएडा के सेक्टर 125 में अमेठी यूनिवर्सिटी में छात्रों के मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीते चार महीने में तीन छात्र काल के गाल में समा गए हैं और बीते 24 नवंबर को बीटेक के छात्र दिशंकर सिंह की मौत भी अब एक रहस्य बन गई है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मैं एक सैनिक परिवार का आदमी हूं, मेरे पूरी खानदान सैनिक है। कोई भी एक पावरफुल एनजीओ या बहुत ही ऑनेस्ट एडवोकेट आगे आकर के मेरे केस को ले और मेरे उदित को जस्टिस दे। मैं ये सबसे गुजारिश करूंगा कि कोई भी पावरफुल एनजीओ हो या कोई बहुत ही ऑनेस्ट और पावरफुल एडवोकेट आए और इस केस को लेकर के जस्टिस दिलाए, क्योंकि मैं बहुत ही पावरफुल यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में लड़ने जा रहा हूं, जहां कि उन लोगों ने मेरे लड़के को मार दिया है। ये एक पूर्व सैनिक की आवाज है जो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए गुहार लगा रहा है। गुहार लगा रहा है कि इंसाफ की ये जंग ताकतवर संस्थान के खिलाफ है और वो अकेला इस जंग को नहीं लड़ सकता, उसे इसमें मदद चाहिए। और अब उमा शंकर सिंह गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीर है भोजपुर जिले के जलपुरा गांव की। नेवी से रिटायर उमा शंकर सिंह का बेटा उदित शंकर सिंह नोएडा की एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन अब उदित इस दुनिया में नहीं है। वो हमेशा हमेशा के लिए अपनों को गम के आंसुओं में छोड़कर जा चुका है और इसके ऊपर पुलिस छानबीन नहीं कर रही है। ये सारी चीजों का जड़ से निकाला जाए, रूट कॉज निकाला जाए, जिससे कि मेरे लड़के को जस्टिस मिले और उसके आगे किसी और लड़के के साथ ऐसा ना हो। वहाँ पे बार बार ऐसी घटना होते जा रही है और हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सपोर्ट स्टाफ है, बिल्कुल रिलक्टेंट है, बिल्कुल ही रिलक्टेंट है। उदित नोएडा के एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ता था। उदित के घर वालों को जल्दी नोएडा आने के लिए कहा गया। 24 नवंबर को उदित की मौत हो जाती है। यूनिवर्सिटी ने उदित की मौत को सुसाइड करार दिया। उदित के पिता उमा शंकर सिंह कहते हैं कि उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से फोन आया, कहा गया कि उदित के साथ हादसा हुआ है और हादसे में उसे गंभीर चोटें आई हैं। उदित के परिवार वाले उसे देखने नोएडा पहुंचे, लेकिन तब तक उदित की मौत हो चुकी थी। किलिंग का सिनेरियो बता रहा है यूनिवर्सिटी कि फिफ्थ फ्लोर से गिरा है, जहां कि मुझे डाउट है कि वो फिफ्थ फ्लोर से गिरा, हो सकता है कि उसको विंडो से फेंक दिया हो किसी ने। इस चीज की जांच पुलिस नहीं कर पाए। जो आईओ है वो बिल्कुल अथॉरिटी के, जो यूनिवर्सिटी के पक्ष में जा रहा है, बिल्कुल पक्ष में जा रहा है। मेरे से पंचनामा में लिखवा रहा था कि आप लिख के दे दो कि मेरा लड़का ऊपर से कूद के मर गया है, जो कि मैंने मना कर दिया। मैं बोला तुम सारी की सारी पिस्टल की गोलियां मेरे अंदर से निकाल देगा ना, तो भी मैं लिख के नहीं देने वाला हूँ कि मेरा लड़का ये हो। तुम दो मिनट के अंदर कैसे बता सकते हो? आईओ मतलब आप देख लो, हम लोग इतने दुख में थे उस समय, ये लिखवाना चाहते, साइन कराना चाहते। उदित की बहन यूनिवर्सिटी के दावों पर सवाल उठाती हैं और उसे पुलिस की जांच पर भी भरोसा नहीं है। हम वहां पहुंचते हैं, सो प्रोफेसर साहनी हमें वर्बली बोलते हैं
that your son is no more. He has jumped off a building. Now my father asks him, even in the state that he was, he asked him, how do you know that without conducting any investigation? How do you know that he jumped off without any investigation whatsoever? He said nothing. परिवार वालों का कहना है कि उदित एक हंसमुख लड़का था और वो पढ़ाई लिखाई में भी तेज तर्रार था। उसकी मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। अब परिवार में केवल गम और मातम का माहौल है। रो रो कर सभी का बुरा हाल है। आखिर घर का चिराग वक्त के पहले ही जो बुझ गया, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। उदित के पिता का आरोप है कि यूनिवर्सिटी और पुलिस दोनों ही सही जानकारी नहीं दे रहे। ऐसे में पुलिस की जांच पर भी उमा शंकर सिंह को एतबार नहीं। मेरे और भी ऐसे जो डिजिस्ट फादर हैं, उनसे मैं कांटेक्ट में हूँ। उन लोगों ने बोला है कि तुम जहां भी जाओ उसको वो खरीद लेगा, कहीं भी जाओ उसको वो खरीद लेगा, यूनिवर्सिटी खरीद लेगा। तुमको लगेगा कि ये मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बिका हुआ आदमी होगा। इतना पावरफुल यूनिवर्सिटी। इतना ही नहीं, परिवार वालों का ये भी कहना है कि मामले की जानकारी के लिए जब उदित के दोस्तों को फोन किया गया तो सभी का फोन हॉस्टल के डीन ने उठाया।